नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। अभी अभी आई बड़ी खबर, अब इस तरह मिलेगा महंगाई भत्ते का एरियर, तो जानेंगे इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले हर छोटी से लेकर बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैनिक जागरण की तरफ से अभी भी ये लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है, सरकार नहीं रोक सकती महंगाई भत्ते का एरियर, इन दो ठोस वजहों पर करें गौर। जेशम स्टाफ साइड की तरफ से ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है और बड़ी खबर है। जी हाँ, जेशम स्टाफ साइड की तरफ से कहा गया है कि सरकार सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ते का एरियर रोक नहीं सकती हैं, और उन्होंने क्या दो ठोस वजह बताई हैं इसकी, आगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपके लिए नए और बेहतरीन वीडियो हमेशा लाते रहें। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सरकारी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब डेढ़ साल का यानी 18 महीनों का एरियर भी मांगा है, और इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी की यूनियन सरकार से बातचीत भी कर रही है। जेसीएम के नेशनल काउंसिल ने कैबिनेट सेक्रेटरी को एरियर जारी करने की दो ठोस वजह बताई है। उनका दावा है कि इससे कर्मचारियों को फायदा होगा, साथ ही इकोनॉमी की सुस्ती भी कम होगी। नेशनल काउंसिल जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि सरकार ने कोविड महामारी के बीच कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता बढ़ाकर तोहफा दिया है, उससे उनका मनोबल बढ़ा है। इसे लेकर काउंसिल की 26 जून की बैठक भी हुई थी, इसके बाद सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि सरकार ने बीते डेढ़ साल का एरियर देने के बारे में कोई बात नहीं की है, ये तर्कसंगत नहीं है। जी हाँ, जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि जब 26 जून को बैठक हुई थी सरकार के साथ में, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बहाल कर दिया जाएगा, जैसा कि सरकार ने बहाल कर दिया है, लेकिन उनके एरियर भुगतान को लेकर कोई भी निर्देश जारी नहीं किए हैं। ऐसे में शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि सरकार को जल्दी से जल्दी एरियर का भुगतान करना चाहिए। शिव गोपाल मिश्रा जी ने इस मांग के पीछे दो ठोस वजह भी बताई हैं। उन्होंने कहा है कि डीए और डीआर कर्मचारियों और पेंशनरों का अधिकार है, इसे किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में इसको लेकर फैसला भी दिया है, इसके अनुसार सैलरी और पेंशन कर्मचारियों का राइटफुल इंटाइटलमेंट है और इसे कानून के अनुसार अदा करना चाहिए। दूसरी वजह इन्होंने ये बताई है कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने दूसरी वजह ये बताई है कि अगर सरकार 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के डीए एरियर दे देती हैं, तो इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को फ़ायदा मिलेगा, इससे बाज़ार में कैश फ्लो बढ़ेगा और इकोनॉमी की कोरोना के कारण आई सुस्ती दूर करने में मदद मिलेगी। साथ में शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 के बीच रिटायर लोगों को एरियर न मिलने से काफ़ी नुकसान होगा, उनकी ग्रेजुटी और लीव इन्वेस्टमेंट की रकम घट जाएगी, ये उनके साथ अन्याय है क्योंकि उन्हें डीए में बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये थी महंगाई भत्ते के संदर्भ में एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद।